हिस्टोरिकली टैक्सिला की बहुत इंपॉर्टेंस है। मौजूद है मोरो के पास और सुबह हो चुकी है। हमने कोशिश बड़ी करी थी कि जल्दी निकलें हम रात को ताकि इस फोग से बचा जाए, लेकिन ये हमें मिलनी थी और ये हमें मिल गई है। और इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 6:30 और स्पीड हमारी कम हो गई है। ऐसा ऐसा चल रहे हैं हम। अभी तो मुल्तान मोटरवे स्टार्ट होना है तो असल फॉग तो आपको वहाँ पे मिलनी है। अगर हम बाहर देखें आप लोग खैरियत से? अच्छा जी, अब हम लोग एक नए सफ़र पे निकले हैं आप लोगों के लिए और हम लोग का सफ़र जा रहा है इस वक्त दोबारा इस्लामाबाद के लिए। और कराची से हम लोग रवाना हुए हैं 3:00 और इस वक्त तकरीबन आपके बज रहे हैं 8:30 और हम लोग मौजूद हैं इस वक्त रानीपुर पे। अच्छा, फोग बहुत है, सीज़न में फोग ठीक ठाक होती है तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो स्पेशली इस सीज़न में तो टाइम आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके निकलें, क्योंकि टाइम आप लोगों को अकॉर्डिंगली थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। अच्छा जी, नाश्ता आ गया है तो नाश्ता करते हैं फिर। अच्छा जी, आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल रात पहुंचे थे, तकरीबन 9-10 पहुंच गए थे और आज इंशाल्लाह हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस व्लॉग में आप लोगों को हम दिखाएंगे कश्मीर की तरफ जाएंगे और शुगरान भी दिखाएंगे कि विंटर्स में शुगरान कैसा होता है। शुगरान में आप विंटर में सिरी पाए नहीं जा सकते, लेकिन ये कि शुगरान वैली जो है वो फुल वाइट होती है आपकी, स्नो से भरी हुई होती है। और शुगरान में जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे, बालाकोट दिखाएंगे आपको, बाकी कश्मीर लेकर जाएंगे। कश्मीर में जो अच्छी जगहें, आपने किरण तक जाएंगे और शारदा जाएंगे और बहुत सी खूबसूरत खूबसूरत जगहें जो आपको दिखते हैं। इंशाल्लाह आगे जाते हैं, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक और जगह पे, खानपुर डैम भी आपको लेकर जाते हैं। खानपुर डैम थोड़ा सा दिखाते हैं, बोटिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि और जगहों पर अगर आप सवात कलाम जाते हैं इस वक्त या फिर कश्मीर जाते हैं, कश्मीर में आपकी जो लेक्स हैं वो इस वक्त एक्सेसिबल नहीं होती, बंद होती हैं। तो लिहाजा बोटिंग एक्टिविटी के लिए अगर आपने इस मौसम में जाना है तो आप खानपुर डैम जा सकते हैं और खानपुर में अच्छी बोटिंग एक्टिविटी है, पैरासेलिंग है। ठीक है, तो चलते हैं, नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे आगे लेकर चलते हैं आपको, जो जो होता है फिर दिखाते हैं। चले जी, टैक्सिला म्यूज़ियम की डिटेल से पहले हम आपको कुछ टैक्सिला शहर के बारे में बताते हैं। ये शहर इस्लामाबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर फासले पर है। हज़ारों साल पहले टैक्सिला शहर तक्षशिला कहलाता था। इम्प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन की वजह से ब्रिटिशर्स ने तक्षशिला को टैक्सिला का नाम दिया।
हाँ वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, खैरियत से? भाईजान कहाँ पहुँचे आप? भाई ये हम आ गए हैं इधर, दिखाइए टैक्सिला म्यूज़ियम। टैक्सिला म्यूज़ियम में इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि टैक्सिला में है। यहाँ की खासियत सिर्फ ये म्यूज़ियम ही है? टैक्सिला की खासियत जो है वो सिर्फ म्यूज़ियम नहीं है, टैक्सिला बड़ी एक हिस्टोरिकल जगह है। उसकी बाकी तफसीलात हम आपको अंदर चल के देते हैं एक बड़ी डिटेल सेशन के अंदर, तो आपको फिर बताएंगे कि क्या क्या खसूसियात हैं यहाँ की। हिस्टोरिकली टैक्सिला की बहुत इंपॉर्टेंस है। 326 BC में सिकंदर आजम यहाँ आए और जाने से पहले अपने गवर्नेंस को यहाँ छोड़कर गए। कुछ सालों बाद राजा चंद्रा गुप्ता यहाँ पर आए और सिकंदर आजम की एक्स गवर्नेंस को यहाँ से मार भगाया और यहाँ पर अपनी गवर्नेंस बनाई। लेटर ऑन राजा चंद्रा गुप्ता के ग्रैंडसन राजा अशोका ने फर्स्ट टाइम बुद्धिज्म को यहाँ का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया। धर्मराजिका का स्तूपा भी यहाँ मौजूद है जो राजा अशोका ने 3rd century BCE में यहाँ बनवाया। उसके बाद से टैक्सिला शहर बुद्धिज्म की दर्सगाह बना और फिर यहाँ से बुद्धिज्म स्प्रेड होना शुरू हुआ वाया चाइना टू फार ईस्ट कंट्रीज, जापान तक। जो मॉन्क्स यहाँ से ट्रेडिंग के लिए चाइना और बाकी फार ईस्ट कंट्रीज जाया करते थे उनके थ्रू ये रिलीजन आगे पहुँचा। थोड़ा सा इशू ये है कि आज रश बहुत है यहाँ पे, काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह आए हुए हैं, कुछ फॉरनर्स आए हुए हैं, तो रश काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर दिखा सकें डिटेल में आके। चले आए, आए कुछ मज़ीद देखते हैं गिफ्ट शॉप के अंदर क्या है। रश बहुत है आज यार, बड़ा ही रश है। जुलूस आया हुआ है स्कूल से, ट्रक आर्ट है हमारे पाकिस्तान का जो कि बहुत फेमस है फॉरनर्स में। बाहर से जितने भी फॉरनर्स आते हैं वो ट्रक आर्ट से बहुत इम्प्रेस हैं पाकिस्तान के, और ट्रक आर्ट को जो है बाकायदा ट्रक्स पे चढ़ चढ़ के पिक्चर्स भी लेते हैं, इतने वो इम्प्रेस हैं हमारे ट्रक से। दो चार ट्रक हम सोच रहे अपने यहाँ से बाहर भिजवा दें। ये हमारी सकाफत है। आप आएंगे अगर टैक्सिला म्यूजियम के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से बुक्स भी मिल जाएंगी आपको अबाउट अ गाइड फॉर द टैक्सिला म्यूजियम, और इसमें सारी डिटेल्स और हिस्ट्री और जो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये ज्वेलरी है जी, हैंडमेड ज्वेलरी है, ये हैंडमेड ज्वेलरी है और हैंड में ही आप इसको पहन सकते हैं। बोले तो मैं आपको पहन के दिखाऊं। ये देखें, देख रहे हैं आप, सही है ना? इसके लिए हैंड जरा खूबसूरत होने चाहिए, तो अच्छा ना लग रहा हो तो पुराना नहीं मानेंगे। बाकी ये यहीं की लोकल है जी, टैक्सिला की यहीं बनते हैं। ये देखिए जी, ये नेचुरल स्टोन है, अगर आपको नज़र आ रहा है कुछ लाइट की थोड़ी सी इशू है, बट अगर हम इसको क्लोज करके दिखा सकें, ये नेचुरल कटिंग, नेचुरल कटिंग्स। इसमें आपको रूप भी एमर्ड सफायर टूरमरीन सारे स्टोन है। ये जी यहाँ की बुक्स, अगर आप यहाँ की डिटेल और हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं, टैक्सिला सैयद मुनव्वर अली शाह मुनव्वर जमा तरतीब, इन्होंने लिखी है, पिक्चर भी लगाई हुई इन्होंने, देख सकते हैं। अब ये मुनव्वर साहब हैं, गौर से देखिए। ठीक है जी, ये यहाँ पे एक छोटी सी गिफ्ट शॉप थी टैक्सिला म्यूज़ियम के अंदर। अगर आप आएँ कुछ गिफ्ट वगैरह लेना चाहें अपने रिलेटिव के लिए जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी ये वापस आएंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर लेकर आएंगे, तो आपने यहाँ से गिफ्ट ले लेना है। टैक्सिला म्यूज़ियम 1918 में बनना शुरू हुआ और 1928 में कंप्लीट हुआ बाय सर जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। चले जी म्यूज़ियम में एंटर होते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ की कुछ तफसीलात।
म्यूजियम में आपको काफ़ी बुढ़ा स्कल्पचर और गंधारन आर्ट दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे कदीम तहजीब के 5000 से ज़ायद अशिया मौजूद हैं, जिसके अंदर चांदी, सोना, लोहा, ज्वेलरी, कॉइन्स, पॉट्स और बहुत सी चीज़ें। गंधारा आर्ट और बकाया रिमेनिंग्स को सेव करने के लिए ये म्यूजियम बनाया गया। म्यूजियम के अंदर 6 गैलरीज हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी इंटरेस्टिंग प्लेस है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस फॉर टेक्सिला सिटी एंड टेक्सिला म्यूजियम। नए व्लॉग के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद इमरान शाह।